कुकीज एक लाइन में बात करें, हम लोग कुछ डेटा फॉर द टाइम बीइंग क्लाइंट की मशीन पे स्टोर करना चाहते हैं, टू स्टोर टेम्पररी इंफॉर्मेशन वेयर इन द क्लाइंट, दैट मीन्स इन ब्राउजर। ब्राउजर में सर्वर साइट से या आपकी एप्लीकेशन कोई भी क्लाइंट साइट पे कोई डेटा स्टोर करना चाहती है तो कुकीज कहते हैं। कुकीज के बहुत फायदे हैं, कई जगह इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग यदि जीमेल को ओपन करें, लॉगिन आपने नहीं किया है तो वो आपकी आईडी दिखाता है, हियर इट इज। जीमेल मैंने ओपन किया, मैं जीमेल लॉगिन करके नहीं रखता हूं जनरली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीमेल को हम ओपन करेंगे तो वो मेरी आईडी दिखाएगा, इज योर आईडी, कैन लॉग इन यूजिंग दिस आईडी। उसको कैसे पता चला कि मेरी आईडी ये है? मेरी जगह मेरे कंप्यूटर पे आप बैठेंगे तो क्या आपकी आईडी दिखाएगा? नहीं, वो तो आपके कंप्यूटर में तो आपकी आईडी दिखाएगा, मेरे कंप्यूटर में आपकी आईडी क्यों दिखाएगा? तो दैट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इस कंप्यूटर पे स्टोर है, ठीक है, उसको ये पता चलता है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी आप वेबसाइट यूज करेंगे तो वो डेटा स्टोर करती है, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इसी कंप्यूटर में स्टोर। तो ब्राउजर की सेटिंग में जाके आप इस इंफॉर्मेशन को देख भी सकते हैं। आप सेटिंग्स में जाइएगा और सर्च कीजिएगा कुकीज, और जैसे मैंने बताया कुकी मतलब बिस्किट्स, तो इसका जो आइकन है वो भी बिस्किट टाइप का ही आएगा। आप यहां देख सकते हैं कुकीज का ऑप्शन आ गया, मैंने क्लिक किया, ये ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है, ये देखो ये आइकन भी बना हुआ है। आप चाहें तो कुकीज की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं या कुकीज को आप डिलीट कर सकते हैं। यदि आप कुकीज को डिलीट कर देंगे तो कुकी इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम ये आपसे पूछेगा कि ईमेल क्या है आपकी, तो क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं होगी। कई बार हम लोग किसी बैंक की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो बैंक की वेबसाइट को पूछता है कि वुड यू लाइक टू यूज दिस कंप्यूटर इन रेगुलर वे, तो उस केस में वो नेक्स्ट टाइम सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता, वरना तो वो हर बार सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन पूछता है, तो ऐसे केस में वहां कोई कुकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। कुकी के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है। देखिए ओपन फोल्डर, एक फ्रेश एप्लीकेशन मैंने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से क्रिएट कर ली है, दैट इज ऐप 3। इसके लिए एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट आपको होगी, वो लाइब्रेरी कंपलसरी है, और हम लोग इसमें राउटिंग भी करेंगे, तो राउटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राउटिंग के लिए मैं राउटिंग वाली लाइब्रेरी भी इसमें ऐड करूंगा। ओपन द टर्मिनल, ऐड द लाइब्रेरी एज पर योर रिक्वायरमेंट। npm add react राउटर डॉम, एक रिएक्ट राउटर की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है यदि प्रोग्रामेटिकली करना हो। और कुकी के लिए बेटा लाइब्रेरी है ये रिएक्ट कुकी, ये लाइब्रेरी आज हमारी यूज हो, जो टॉपिक है आज का हमारा वो रिएक्ट कुकी पे बेस्ड है। यहां मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि राउटिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट राउटिंग। कुछ मशीन पे npm add में कई बार प्रॉब्लम आती है, तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो यूज npm install। meanwhile ओपन द सोर्स फोल्डर, app.js, just delete it, function app,
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, रिटर्न डिव, एंड दिस इज अवर एग्जाम्पल. index.js ब्राउजर राउटिंग में इनेबल कर रहा हूं, तो उसके लिए ब्राउजर राउटर मुझे यूज करना पड़ेगा. ब्राउजर राउटर क्योंकि इसने अपने आप इंपोर्ट नहीं किया है, तो आप मैन्युअली इंपोर्ट कर लीजिए. फ्रॉम विच लाइब्रेरी? रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डॉम. रिएक्ट राउटर डॉम. स्टार्ट द एप्लीकेशन, npm स्टार्ट. edit, okay, will open the browser automatically. Create three child. First, t1.js. In c2. And then C3. Then store normal string, object or array, anything in cookie. Keys के साथ में कुछ points आप ध्यान रखिएगा, वो important है. Cookie की life होती है by default browser life के equal. ब्राउजर पे क्रॉस करके आप बंद कर दीजिए, कुकी आपकी खत्म हो जाएगी. कुकी केवल तभी तक आपकी वैलिड है जब तक ब्राउजर आपका रनिंग में है. या फिर आप ब्राउजर में कुकी की लाइफ चाहते हैं ज्यादा दिन रहे, 2 दिन, 7 डेज, 5 डेज, 15 डेज, तो आप ब्राउजर में आप एक्सपायरी डेट कुकी की सेट कर सकते हैं. आपने एक्सपायरी डेट सेट की 15 डेज, तो 15 डेज तक, फ्रॉम टूडे 15 डेज तक वो आपकी कुकी ब्राउजर में स्टोर रहेगी. 15 दिन के बाद ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसे डिलीट कर देगा अपने आप. आप यदि उसे एक्सटेंड करना चाहें तो उसकी लाइफ फर्दर एक्सटेंड की जा सकती है. ब्राउजर्स डोमेन सेफ होती हैं. दैट मींस यदि याहू ने कोई कुकी स्टोर की है तो उसे गूगल एक्सेस नहीं कर सकता. गूगल ने स्टोर की है तो उसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं कर सकता. तो आपकी एप्लीकेशन ने जो कुकी स्टोर की है उन्हें आप ही की एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है. Second thing, most important, जो आपके ब्राउजर्स होते हैं वो एज अ क्लाइंट वर्क करते हैं, तो जो गूगल क्रोम ब्राउजर है उसकी कुकीज अलग होंगी, और जो आपका ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज उसकी कुकीज आपकी अलग होंगी. एक ब्राउजर की कुकी दूसरे ब्राउजर में यूज नहीं होती. Okay? Now let's start. First index.js.
व्हाट्स द प्रॉब्लम? Here it is. Key example. Now, in app.js, I am creating three links. First, second, third. Nothing is special. Port. A second, third. Now, simple roots. Then root, path, which one? First. And which element? C1. Similarly, C2 and C3. इट्स वर्किंग प्रॉपरली. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नीचे आपके कंपोनेंट्स आ रहे हैं. अब एक एक कंपोनेंट में एक एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. सबसे पहले C1 में आइए. यहां पर हम स्टोर करेंगे बेटा कुकी. तो सबसे पहला प्रोसेस है हाउ टू स्टोर कुकी. इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू स्टोर कुकी. And on click, just call the function F1. Here we have function F1, which we will use to store the cookie. How to store? Just use this one. CK, add CK, equal to use cookies. From React Cookie Library hook. ये जो square bracket में option दिया है, these are the names. You can use any name. First is the name of the cookie. It is internally object. Second is a function which you will use to store the cookie. Third is again function which you can use to delete the cookie. Third is optional. Second is optional. First केवल compulsory होता है. तो मुझे यहाँ पे cookie को store भी करना है. इसीलिए मुझे सेकंड ऑप्शन पास करना पड़ेगा. वो फंक्शन नेम आप कुछ भी ले सकते हैं एज यू विश. तो हमने कुकी को रिप्रेजेंट करने के लिए सीके वेरिएबल लिया और कुकी को ऐड करने के लिए ऐड सीके. अभी मैंने आपसे कहा इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना, जो आपका मन करे. तो मैं स्टोर करना चाहूंगा एक स्ट्रिंग सबसे पहले, सिंपल, दूसरी भी स्ट्रिंग और तीसरी भी स्ट्रिंग. सबसे पहले एज वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा. फर्स्ट जो कुकी है उसकी एज हम नहीं देंगे. सेकंड कुकी की एज हम देंगे 3 डेज और थर्ड कुकी की एज हम देंगे 7 डेज. तो 2 डेट ऑब्जेक्ट हमें चाहिए जो आज से 3 दिन बाद की और 7 दिन बाद की डेट को रिप्रेजेंट करें.
दैट डी वन इक्वल टू न्यू डेट, आज की डेट आ गई, तो थ्री डेज बाद की डेट सेट करो, डी वन डॉट सेट डेट विच वन करंट डेट प्लस थ्री, ओके। इसी तरीके से एक नया डेट का ऑब्जेक्ट बनाओ डी टू, इसमें सेट करो करंट डेट प्लस सेवन। डी वन जो डेट है वो रिप्रेजेंट कैसे कर रही है, आफ्टर थ्री डेज डेट को, और डी टू आपका सेवन डेज को। नाउ हाउ टू स्टोर द कुकी, यू कैन यूज एड सी के फंक्शन टू स्टोर द कुकी जो हमने यहां पे मेंशन किया है। फंक्शन नेम आप यहां पे कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे, ओके। इट रिक्वायर्स थ्री पैरामीटर, फर्स्ट द नेम ऑफ द कुकी, सेकेंड द वैल्यू ऑफ द कुकी, थर्ड ऑप्शनल एक्सपायरी डेट। मैंने कुकी का नाम दिया है ए वन एंड वैल्यू ऑफ द कुकी दिस इज फर्स्ट कुकी, ये इसकी वैल्यू है। सिमिलरली सेकेंड कुकी इज ए टू, थर्ड इज ए थ्री, ए टू की वैल्यू है सेकेंड कुकी और ए थ्री की वैल्यू है थर्ड कुकी। मैं सेकेंड वाली की लाइफ देना चाहता हूं थ्री डेज, तो यहां कॉमा लगाइएगा और एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे आप जिसमें आप देंगे एक्सपायर्स और डेट डी वन। सिमिलरली हियर विच डेट डी टू एंड डिस्प्ले अलर्ट मैसेज कुकी स्टोर्ड सक्सेसफुली। आप जब इस बटन पे क्लिक करेंगे फंक्शन एफ वन एग्जीक्यूट होगा, आपकी कुकीज को स्टोर कर देगा, आपकी तीनों कुकीज स्टोर हो जाएंगी। इनको एक्सेस करें आप इस कंपोनेंट पे या किसी और कंपोनेंट पे, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द रिक्वायरमेंट, है ना। तो हम इसे सेकेंड वाली क्लाइंट पे, सॉरी कंपोनेंट पे यूज करेंगे, डिस्प्ले कराऊंगा मैं। सी टू पे आ जाओ, यहां पर कुकी आपको क्या करनी है, एक्सेस करनी है या चेंज भी करना है, कुछ केवल एक्सेस करनी है, तो मुझे बाकी दोनों पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट यूज दिस वन, ठीक है। ये जो सीके है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसमें एक तो कुकी है आपकी ए वन, एक ए टू, एक ए थ्री। अभी मैंने बताया कुकीज क्लाइंट साइड पे स्टोर होती हैं, तो ब्राउजर की सेटिंग में इन्हें जाके डिलीट किया जा सकता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता एक कुकी आपने 7 डेज के लिए या 15 डेज के लिए स्टोर की लेकिन क्लाइंट ने उसे 2 दिन बाद ही डिलीट कर दिया, पॉसिबल है? तो जब भी कुकी को आप यूज करें हमेशा ये सोच के यूज करना कि जो कुकी आपने स्टोर की वो नहीं मिलेगी, तो उसमें अनडिफाइंड की कंडीशन यूज करना कंपलसरी, ओके। हो सकता है वो कुकी आपको ना मिले। नाउ सी दिस, सी टू, यहां पे मैं डायरेक्ट कुकीज को डिस्प्ले करा रहा हूं बेटा सी टू कंपोनेंट में, इफ कंडीशन लगा के सीके डॉट ए वन इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ओके। देन व्हाट, नो कुकी फाउंड, एल्स सीके डॉट ए वन, टर्नरी ऑपरेटर लगाया है, ठीक है ना। यदि सीके डॉट ए वन अनडिफाइन है तो क्या मैसेज आएगा, नो कुकी फाउंड, और यदि अनडिफाइन नहीं है तो क्या लिखा हुआ जाएगा, सीके डॉट ए वन की वैल्यू जो कुकी की वैल्यू है आपकी, ओके। इसको हेडिंग थ्री में ले लेते हैं। सिमिलरली अदर टू कुकीज ए टू ए थ्री, नाउ एप्लीकेशन इज ऑलरेडी रनिंग इन डिफरेंट ब्राउजर, आई एम यूजिंग गूगल क्रोम दिस टाइम। लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे आप इसे रन कर लो, ठीक है ना। आपने ब्राउजर में देखा भी होगा लिखा हुआ आता है यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 कॉलन लगा के, दूसरे ब्राउजर में आप इसे लिख सकते हैं इसे,
ये आपका रन हो गया। अब देखो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट पे कुकी क्या हो रही है स्टोर, और सेकंड पे कुकी क्या हो रही है डिस्प्ले। क्या अभी किसी कंपोनेंट पे मैंने बटन पे क्लिक किया फर्स्ट कंपोनेंट पे? नो, तो कुकी तो अभी स्टोर नहीं है। तो सेकंड कंपोनेंट को डिस्प्ले कराओ, देखो क्या आउटपुट आता है। नो कुकी फाउंड, तीनों में से कोई भी कुकी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी स्टोर ही नहीं करी है। वापस फर्स्ट कंपोनेंट पे जाओ, स्टोर कुकी पे क्लिक कर दो, कुकी स्टोर सक्सेसफुली। आपके तीन कुकी स्टोर हो गई होंगी, A1, A2, A3। सेकंड कंपोनेंट पे जाके चेक करो, देखो तीनों कुकीज मिल गई। ओके, फर्स्ट कुकी की लाइफ कितनी दी थी? दी नहीं, तो केवल तब तक है जब तक ब्राउजर चल रहा है। सेकंड कुकी की लाइफ 3 डेज, थर्ड की 7 डेज। मैंने ब्राउजर बंद कर दिया, एप्लीकेशन को दोबारा रन किया है, डायरेक्ट मैं सेकंड कंपोनेंट पे जा रहा हूं। उसने कहा नो कुकी फाउंड, A1 कुकी मेरी रिमूव हो गई जैसे ही मैंने ब्राउजर बंद किया। लेकिन सेकंड और थर्ड अभी भी है। सेकंड कब तक वैलिड है? 3 डेज। जो टाइम हमने सेट किया है वो सेकंड में भी सेट हो सकता है, तो उस हिसाब से सिस्टम की डेट चेंज करो। एडजस्ट डेट टाइम, आज से 3 दिन बाद की डेट इसमें सेट कर दो 16। ब्राउजर क्लाइंट साइड पे चलता है, वो डेट भी कहां से रीड करता है? सिस्टम से। उसके अकॉर्डिंगली 3 दिन पास हो चुके हैं पूरे, आया ना? तो देखो C2 कुकी भी गई, सेकंड कुकी सॉरी। डिलीट हो गई। डेट बैक कर लोगे तो वापस नहीं आएगी, तो गया वो गया, जाने वाले की बस याद आती है, वो वापस नहीं आता, ठीक है ना? कुकी वापस नहीं आएगी, ध्यान रखना। आप सिस्टम की डेट बैक कर लेंगे तो मैं बैक करके दिखा देता हूं एक बार। चेंज बैक 13, ब्राउजर लोकल होस्ट 3000, सेकंड नो कुकी, थर्ड कुकी कब तक अवेलेबल है? 7 डेज के लिए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कुकी को डिलीट करना है, थर्ड कंपोनेंट पे कॉन्सेप्ट देखेंगे ये हम। क्लियर? डिलीट कुकी, ऑन क्लिक F1, फंक्शन F1, CK सेकेंड फंक्शन एड CK, और थर्ड होता है आपका रिमूव CK, डिलीट कुकी, मतलब कुछ भी नाम दे दो, नाम आपको देना है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यूज कुकीज, नाउ डेल CK जस्ट गिव्स द नेम ऑफ द कुकी। मैंने नाम दिया है A3 का बेटा, जिसकी लाइफ कितनी थी हमारी? 7 डेज, तो वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है हमारे ब्राउजर में। कुकी डिलीटेड, चेक दिस, सेकंड, अभी थर्ड कुकी है, ठीक है, थर्ड कंपोनेंट पे आई है, वापस सेकंड कंपोनेंट पे आके चेक करो, डिलीट हो गई कुकी। कुकी इस तरीके से आपकी डिलीट हो जाएगी। आप कुकी में किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एज यू विश। नाउ एक्सटेंड इट, एड CK, A4, इस टाइप की इंफॉर्मेशन ली मैंने, ऑब्जेक्ट सॉरी एरे, एंड दिस टाइम ऑब्जेक्ट कितना
यू कैन स्टोर एनीथिंग। थर्ड पैरामीटर अभी मैंने दे दिया, तो ऑब्वियस है वो किसके लिए होगा, डेट के लिए, एक्सपायरी डेट यदि आप देना चाहते हैं तो। नाउ सी टू कंपोनेंट, बेटा यदि कहीं ऐसी कंडीशन लगानी हो अनडिफाइंड की, तो आप इसको शॉर्ट में केवल ऐसे लिख सकते हो। तो ये इसकी एग्जिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, वो हम शॉर्टकट पे देख लेंगे, अभी तो ऐसे ही लिख लीजिए। नाउ एच ए फोर, सॉरी ए फोर बेटा एरे है ना, ठीक है, तो यदि ए फोर नहीं हुआ तो ये एरर दे देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मत चलाना इसको, पहले कुकी स्टोर करना उसके बाद, या फिर इफ कंडीशन लगाना, यदि एरे है तो ही डिस्प्ले करे वरना ना करे। ओके, मैं डायरेक्ट डिस्प्ले करा रहा हूं फिलहाल। अनऑर्डर्ड लिस्ट टीके डॉट ए फाइव, सॉरी ए फोर डॉट मैप एलिमेंट कॉमा आई एरो ऑपरेटर लिस्ट ई एंड देन बी आर। सेकेंड में हमारे पास है सी के डॉट ए फाइव डॉट आई डी tk डॉट ए फाइव डॉट नेम, ऑब्जेक्ट हमने लिया था, जस्ट रन द एप्लीकेशन। फर्स्ट स्टोर कुकी, देन सेकंड, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो कुकीज आ गई आपकी, नीचे आपका एरे भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। एरर इसलिए आई थी क्योंकि मैं डायरेक्ट यदि सेकंड पे क्लिक करूंगा बेटा वहां पर आपका एरे तो था नहीं और ना ही ऑब्जेक्ट था, और एरे में यदि नहीं है तो मैं उसमें मैप फंक्शन कैसे यूज कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन नहीं लगाई ना अनडिफाइन वाली, तो मुझे लगानी चाहिए थी। मैं बार बार आपसे एक ही चीज कहूंगा, हमेशा ध्यान रखना कुकी नहीं है या है, इसके लिए कोई श्योरिटी नहीं कर सकते आप। आपने कुकी स्टोर करी, ब्राउजर में डिलीट कर दी किसी ने, तो आपको कुकी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमेशा ये कंडीशन लगानी चाहिए। ऐसी कंडीशन मैंने यहाँ पर यूज नहीं की है, तो ऑब्वियस यदि कुकी नहीं होगी तो मैप फंक्शन कैसे चला देगा वो, तो एरर आएगी आएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट के केस में तो वो एम्प्टी डिस्प्ले कर देता है, लेकिन एरे के केस में एरर देगा यहाँ पे, तो प्रॉपरली कंडीशन लगा के तब यूज करना अनडिफाइन की। कुकी को स्टोर करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, एक्सेस करने का मेथड भी सिंपल है, पोर्ट पे भी कहीं एक्सेस कर सकते हो, और रिमूव करने के लिए थर्ड फंक्शन आपको यूज करना होता है, उसमें केवल कुकी का नाम पास कर दी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन कई बार क्लाइंट साइड पे स्टोर की जाती है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हर प्रोजेक्ट में लगभग यूज होता है। आपने देखा होगा रिमेम्बर माई आई डी ऑन दिस कंप्यूटर, तो वो भी सेम कुकी का कॉन्सेप्ट है, वो आपकी आई डी को आपके कंप्यूटर पे स्टोर कर देता है, अपने पैरों के निशान उसने छोड़ दिए। नेक्स्ट टाइम जब आपने एप्लीकेशन ओपन करी तो उसने इस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया और वापस डिस्प्ले कर दिया कि जी आपकी ईमेल ये थी। इस तरीके से कुकी के मल्टीपल यूज हो सकते हैं, बहुत सारे यूज हो सकते हैं। एक वेबसाइट मैंने यूज की थी, उस पर क्या था कि उसको कुछ सर्च करो तो उसको कुकी फॉर्म में स्टोर कर देता था, तो नेक्स्ट टाइम वो नीचे अलग से एक लिस्ट दिखाता था कि आपने लास्ट टाइम ये सर्च किया। तो अलग अलग यूज हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे और किस तरीके से इसको यूज करेंगे। बेटा टाइम आप इसमें जितना चाहे दे दो, देखो जैसे फर्स्ट वाले में हमने कुकी का टाइम नहीं दिया है तो ब्राउजर बंद कर दी, कुकी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप टाइम देना चाहते हैं तो आप इसमें मिनट में, सेकंड में, आवर्स में, इयर्स में कितना भी दे दो। अब आपने 5 साल बाद का टाइम दे दिया, क्या गारंटी है 5 साल तक उसका कंप्यूटर रहेगा, विंडो फॉर्मेट हो गई, ब्राउजर ही इंस्टॉल हो गया। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कंडीशन लगा के यूज, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट।